करनाल के सेक्टर 12 में जेबीटी समाज कल्याण समिति की ओर से चलाई जा रही आपकी रसोई कार्यक्रम में लोग उत्साह पूर्वक पहुंचकर नाश्ते पानी का आनंद उठा रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि जेबीटी समाज कल्याण समिति की ओर से 10 रुपए में नाश्ता उपलब्ध करवाने के लिए करनाल के सेक्टर 12 द्वारा पार्क के समीप अपनी रसोई चलाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। आज के अपनी रसोई कार्यक्रम में करनाल के नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर धीरज कुमार व करनाल पुलिस की ओर से चलाई जा रही राहगीरी टीम ने पहुंचकर नाश्ते का लुत्फ उठाया और अपनी रसोई में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक व पॉलिथीन की जांच भी की, जिसमें सब कुछ ठीक पाया गया। धीरज कुमार ने कहा कि जेबीटी कल्याण समाज समिति द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दाम के साथ सस्ता नाश्ता उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जेबीटी कल्याण समिति द्वारा चलाई जा रही इस रसोई में पॉलिथीन उन्मुक्त अभियान को भी सफल बनाने के लिए संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर जेबीटी कल्याण समिति के चेयरमैन भारत भूषण कपूर ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इस रसोई में कोई भी प्लास्टिक की वस्तु प्रयोग न की जाए और लोगों को भी पॉलिथीन उन्मुक्त करनाल बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किस तरह का कार्यक्रम है? बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी। जब स्टार्ट किया था, जब लगा था इसको लोग पसंद कर पाएंगे, शहर के लोगों की इसके बारे में क्या राय आएगी, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमने एक बहुत अच्छा जेबीटी समाज कल्याण समिति की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है और इसको पूरी सफलता मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो गरीब बच्चे आते हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं और उनको बड़े अच्छे ढंग से हम बड़े श्रद्धाभाव के साथ एक 10 रुपये में भोजन, पौष्टिक भोजन नाश्ता करवा रहे हैं, जिसके अंदर पूड़ी, हलवा, चाय और आलू की सब्जी दे रहे हैं साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हमारे यहाँ आज धीरज कुमार जी आए हुए हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर निगम के, उन्होंने बड़ा इस चीज़ को पसंद किया और उनकी मैं पार्क की नज़र की भी बहुत बड़ी दाद देता हूँ कि जब वो पहले हमारे पास एक बार आए थे यहाँ पे भोजन करने, तो उन्होंने दो चीज़ें नोट की। एक तो हम 250 ml जो पानी की बोतल होती है उसके अंदर पानी दे रहे थे और जो है एक जो हमने कन्या भोजन किया उसके लिए हमने प्लास्टिक की कटोरी रखी थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने पकड़ी और उनके कहने पर अब हमने वो चेंज कर दी है। हम ग्लासेज में पानी दे रहे हैं, शीशे के ग्लासेज में पानी दे रहे हैं और अपना वो कटोरी भी चेंज कर दी है। मैं उनकी दाद देता हूँ, बड़े अच्छे ढंग से करनाल के अंदर इसको पॉलीथीन मुक्त बनाने के अंदर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि और भी समाज से भी आगे आए, इस तरह के कार्य करें, अच्छा लगता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।